सबको मेरा प्रणाम। कल ही ये निर्णय लिया गया कि मैं अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठूंगी और आज आधे दिन के अंदर अंदर जितनी भारी तादाद में सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं वो ही हमें बता रहा है कि जो हम मांग कर रहे हैं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितनी नेक लड़ाई है और कितनी ज़रूरी लड़ाई है। मैं आप सब आंदोलनकारी बहनों और भाइयों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबको नमन करती हूँ। कल ये निर्णय क्यों लिया गया? एक 8 साल की बच्ची है कथुआ में, जम्मू में, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत मासूम बच्ची थी। अपने घोड़ों को चराने के लिए गई थी, उसके पास कुछ घोड़े थे, उसको कुछ पापियों ने किडनैप किया, ड्रग्स दिए और फिर बर्बरता से बलात्कार किया 8 दिन तक। उन्होंने मेरठ से अपने एक साथी को बुलवाया कि तुम्हें भी रेप करना है, एक 8 साल की बच्ची मिल गई है हमें। तो वो साथी मेरठ से आया और उसने उसका बलात्कार किया। उन्होंने 1.5 लाख रुपए पुलिस वाले को दिए कि तू चुप हो जा। वो पुलिस वाला चुप हुआ तो हुआ, उसने भी लड़की का बलात्कार किया। मार रहे थे उसको, गला घोंट रहे थे, फिर एक लड़का आ गया, नहीं नहीं अभी मेरे को भी बलात्कार करना है। गला घोंटते घोंटते रुक गए, फिर बलात्कार किया, फिर पत्थरों से मारा, फिर गला घोंटा, फिर बलात्कार किया और टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंकवा दिया। और ये घिनौनी हरकत हम सबके पूजा स्थल में एक मंदिर में करी गई, कितनी शर्म की बात है। उस लड़की की जो खून भरी चीखें हैं, मुझे लगता है कि हम सबके कानों में गूंज रही है, हम सबके जहन से सवाल पूछ रही है। और जब ये कहानी सुनी तब मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया। एक तरफ कथुआ है, एक तरफ उन्नाव की एक बेटी जिसकी बस इतनी गलती थी कि उसके साथ जो रेप हुआ उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। उस बेटी के पिता को इतनी बेरहमी से मारा, पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में मारा, 18 चोटें, बेरहमी की चोटें उसके शरीर पे आईं, उसकी अंतड़ियां फट गईं और वो आदमी मर गया। क्या गलती थी उसकी? सिर्फ ये कि उसने लड़ाई लड़ी एक बाहुबली विधायक से और उस बाहुबली विधायक की हद देखिए। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार लग गई कि कैसे इस विधायक को बचाना है, केंद्र सरकार लग गई कि कैसे विधायक को बचाना है। अरे हो क्या रहा है इस देश में? कथुआ, उन्नाव, 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में कितनी बर्बरता से बलात्कार किया गया। 3 घंटे तक लड़की का ऑपरेशन चला, अभी 17 अप्रैल को दूसरा ऑपरेशन है। मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया है, वो बच्ची, उसकी जो दिल की धड़कने हैं ना, उसकी वो क्या मेरे दिल में क्या महसूस कराती हैं, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। उसकी चीखें, उसकी चिल्लाहट, उसको छुओ तो वो डर जाती है। अभी तक क्या पता उसको उसके साथ क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो डर जाती है, वो कांप जाती है। तो ये दिल्ली की देश की जितनी बच्चियां हैं, क्या ये ऐसे ही लुटती रहेंगी? दिल्ली महिला आयोग क्या मांग कर रहा है, क्या मांग कर रहे हैं हम लोग? हम यही तो कह रहे हैं कि अगर कोई बलात्कार करता है, छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करता है, तो उसे 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा दो। क्यों नहीं देते फांसी की सज़ा? क्यों इन बच्चियों का रेप बार 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 सिस्टम करता है? क्या ये ठीक है? एक बार एक बच्ची का रेप कुछ आदमी करते हैं, फिर वो रेप बार 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 सब लोग करते हैं, सिस्टम करता है। 8 महीने की बच्ची अगले 16 साल तक अलग अलग जगहों पे जाके रेप कराएगी। हाँ मेरे साथ रेप हुआ था, हाँ मेरे साथ रेप हुआ था। क्या ये ठीक है? प्रधानमंत्री जी कल अनशन पे बैठे, एक दिन का अनशन था लोकतंत्र को बचाने के लिए। पर लोकतंत्र कैसे बचेगा अगर बच्चियों को नहीं बचा पाएंगे, अगर महिलाओं को नहीं बचा पाएंगे? पूरी सरकार चुप है,
बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इतनी बुरी तरीके से बलात्कार हो रहा है, फिर भी सब चुप हैं, तो कब तक चुप रहेंगे, कब तक मूक दर्शक बन के रहे रहेंगे। मैं, महिला आयोग पिछले 2.5 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी दो। यहाँ बैठी हुई इतनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आप में से सारे लोग, बहुत सारे लोग इतने समय से हमारे साथ लड़ रहे हैं, कोर्ट चली गई, नेताओं के दरवाजे खटखटाकर हाथ जोड़ के बैठ गई, 40 दिन तक सत्याग्रह करा, अपने घर नहीं गई, पूरा दिन काम किया। शनिवार को भी महिला आयोग काम करता है, इतवार को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, पर क्या हमारा यही काम रह गया है कि रेप होते रहें और बच्चियों का खून हम बैठ के साफ करते रहें? क्या हमारा यही काम रह गया है कि जो बच्चियों को बर्बाद कर दिया जाता है, जो पूरे के पूरे परिवार उजाड़ दिए जाते हैं, उनका रेप जो सिस्टम करता रहता है उसको हम देखते रहें? मैं ऐसा नहीं मानती। 5.5 लाख पत्र प्रधानमंत्री जी को अभी 1 महीना पहले ही दिए थे मांग लेकर, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मूक दर्शक अब नहीं बने रहेंगे, अब तो जी लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैं आज से अनिश्चितकालीन अनशन पे हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं इससे क्या होगा। गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगा दिया था, गांधी जी ने अनशन करके, उनके पवित्र अनशन से अंग्रेज़ इस देश से भाग गए थे। भगत सिंह ने अनशन करा था जेल में और अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा था। हमारे देश को अनशन ने ही आज़ाद कराया है अंग्रेज़ों से। तो मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं का अनशन होगा, जो मेरा अनशन होगा, जो मेरा आमरण अनशन होगा, मैं मानती हूँ कि मेरी इस तपस्या को कोई ज़ायर नहीं होने देगा। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, मैं भी उनकी बेटी के समान हूँ, बेटी ही उनकी, क्या उम्र है मेरी, लेकिन मैं अब आमरण अनशन पे बैठी हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि मेरी इस तपस्या को ज़ायर ना होने दें, देश को एक सिस्टम दें, सामने से लीड करें और हमारे को इस समस्या से निदान दिलाएं। 6 महीने के अंदर अंदर छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होता है तो फांसी की सज़ा कैसे मिलेगी? आज सुबह सुबह सुना कि केंद्र सरकार की महिला और विकास मंत्री ने कहा है कि अब हम पॉक्सो कानून में बदलाव करेंगे, फांसी की सज़ा उसमें हम ऐड करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी जो जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा है। मध्य प्रदेश में कानून आ गया है इस तरीके का, हरियाणा में आ गया है, दिल्ली की विधानसभा में पास हुआ है, और राजस्थान में आ गया है, सब जगह पे कानून की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, इन सारी बातों का हम स्वागत करते हैं, पर ये कानून सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर इस कागज़ के टुकड़े को हमने सशक्त रूप से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसको लागू नहीं करवाया, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आजकल तो मुझे लगता है ये एक नया जुमला हो गया है कि भाई जिसको भी अपनी जान छुड़ानी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बाकी सरकारें हो, वो ये कह देती हैं कि जी हम कानून ला रहे हैं, डेथ पेनल्टी दे देंगे, हम फांसी की सज़ा दे देंगे, कानून ला रहे हैं। अरे दोगे कैसे? दिल्ली की ही अगर बात बताऊँ तो 10 साल से दिल्ली पुलिस 66,000 पुलिसकर्मी की मांग कर रही है केंद्र सरकार से, आज तक एक नहीं मिला। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, हर पुलिस स्टेशन आज आधे से कम स्टाफ पे काम कर रहा है। तो जब स्टाफ ही नहीं होगा तो जनता की सुरक्षा क्या खाक करेंगे? पूरी दिल्ली पुलिस इस वक्त VIP ड्यूटी कर रही है, जनता की ड्यूटी नहीं कर रही। मेरे पास भी आए थे, कहा था कि मेरी जान को खतरा है, आप सुरक्षा ले लो। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के यही बोला कि जिस दिन 66,000 पुलिसकर्मी आपके पास आ गए ना, उस दिन सोचूंगी सुरक्षा की बात। कैसे मैं सुरक्षा ले लूं? जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, जब सड़क से बाहर निकलती हैं, गली में चलती हैं, कहीं पे भी चलती हैं, तो इलाके और अड्डे
है जहाँ छेड़ी जाती हैं, हर महिला छेड़ी जा रही है, मेरे साथ भी सुरक्षा दे दो जिससे मुझे पता ही ना चले कि लड़कियों का दर्द क्या होता है। जब सुरक्षा नहीं होती, जब रात में निकलती हूँ, दिन में निकलती हूँ, बस में जाती हूँ, मेट्रो में जाती हूँ, तो मुझे भी तो दर्द महसूस होता है ना, तो ये दर्द मुझे महसूस होने दो। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें दिल्ली की जनता के लिए, देश की पूरी जनता के लिए सुरक्षा चाहिए। तो पुलिस के संसाधन बढ़ाइए, हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, दिल्ली की भी और पूरे देश की। साथ ही पुलिस की जवाबदेही तय कीजिए। 10 साल से केंद्र सरकार सॉफ्टवेयर बना रही है कि भाई पुलिस की डिजिटलीकरण करेंगे, आज तक सॉफ्टवेयर नहीं बना, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे पुलिस स्टेशंस में। तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि पुलिस की जवाबदेही जनता के प्रति तय हो। साथ ही हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ये देश में बढ़ाए जाएं। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होती, कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, और किसी कानून के ऊपर अब मैं अपना अनशन तोड़ने वालों में से हूँ नहीं। पुलिस की जवाबदेही तय करो, पुलिस के रिसोर्सेज बढ़ाओ और फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करो। जब आप ये करोगे अब तभी ये अनशन टूटेगा। आप लोगों से मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना मेरा मनोबल बढ़ा है। मैं तो आज यहाँ पे ये सोच के आई थी कि मैं अकेली ही बैठूंगी, मुझे लग रहा था कि मैं बस अकेली हूँ, मुझे लग रहा था कल तो बात हुई है, आज कौन आ पाएगा। लेकिन जितनी भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं आई हैं, मुझे लगता है कि अब चट्टानें हिलेंगी। ये अनशन मैं कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या की बात है। इस तपस्या में आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझको झुका दे, लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इस देश के सारे लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, आप साथ आइए। जहाँ हैं या तो वहाँ पे ही कोई कार्यक्रम कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, या दिल्ली आइए, हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग कीजिए। ज़्यादा अब मैं बोल नहीं पाऊँगी और इसके बाद तो मैं आगे बहुत कम बोलूँगी, लेकिन मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब तक ये लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबके घर हैं, सबके बच्चे हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बीच में आएँ। और मैं यहीं पर हूँ, अपना काम भी करने की कोशिश करती रहूँगी, लेकिन अब मेरा एक ही काम है। अब मैं चाहती हूँ कि रेप के ऊपर जो चुप्पी है, जो सरकार ने ठान रखी है और जो लोगों ने ठान रखी है, ये टूटे। देश में बहुत बड़ा पाप हुआ है, अगर इन पापों के ऊपर हम चुप रह गए, अगर हमने प्रार्थना नहीं करी, तो मुझे लगता है कि हमारे देश का कोई भविष्य नहीं है। वो जो 8 साल की बच्ची है, उस सबकी हम सबको हाय लगेगी। तो उस हाय से बचने के लिए, उसमें उसकी बच्ची की चीखों से प्रेरणा लेकर हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको तपस्या करनी पड़ेगी। मैं तपस्या कर रही हूँ, मेरी तपस्या शुरू होती है। आज निधि देसवाल आई, इनका एक भजन है जिससे मैं अपना अनशन शुरू करना चाहती थी, और मैं चाहती हूँ कि सारे धर्म के लोग यहाँ पे आए, हम सर्वधर्म प्रार्थनाएँ करें, हम एक साथ मिलकर सरकार को ललकारें तो सही, पर इस भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, जीसस क्राइस्ट से हम सब प्रार्थना करते हैं। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, हमारी मदद के लिए आइए। जय हिंद।